नमस्कार साथियों, मैं यहाँ निधि मिश्रा एक ऐसे समुदाय के बारे में बात करने आई हूँ जिसके बारे में बात करना पहले अपराध माना जाता है। इससे पहले मैं आप सबका हरा पीला लाल भगवान हर तरह का इस्तकबाल करती हूँ और यहाँ की जनता का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे उन सब तबकों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया, उनके लिए मुझे आत्मविश्वास दिया, उनको सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए इतना पेशेंस रखा। यहाँ पे उस वर्ग की बात करने जा रही हूँ जो दलित है, जो आदिवासी है, जो महिला है, जो दिव्यांग है, जो किसी भी तरह से पिछड़ा हुआ है। मैं उस उन सवर्ण गरीबों की बात करने जा रही हूँ जिनकी बात करने से ही आज की राजनीति डरती है। उनके बारे में बात करना ही अपराध माना जाता है। उनके हक की बात करना केवल दूसरों को बांटने का एक तरीका बनकर रह गया है। मैं ऐसा समाज चाहती हूँ जहाँ समानता हो, न्याय हो, भाईचारा हो और हम सबको बराबरी का अधिकार मिले। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम या नफरत की राजनीति में की बात करने नहीं आई हूँ। साथियों, आप जानते हैं कि हाल के वक्त टाइम में जो सवर्णों पर अत्याचार हुए हैं वो चिंतनीय है और आज की राजनीति का उस पर मौन एक स्पेक्ट सवाल खड़ा करता है हमारी लोकतांत्रिक राजनीति और हमारी सामाजिक चिंतन की परंपरा पर। ये हमारे जो लेफ्ट के साथी है इनसे हम पूछना चाहेंगे, मैं पिछली 5 साल से कैंपस में हूँ, ये क्रांति की बात करते हैं। मार्क्स ने तो आर्थिक आधार पर विभाजन की बात की थी, पर आपकी बात जातिवाद से आगे क्यों नहीं बढ़ती साथी? आप बताइए हमें कि आपने जातिगत आधार पर जो बिहार में नरसंहार किए, जो पटना में बिहार के सवर्ण मुसलमानों का नरसंहार किया, पटना में किया, भोजपुर में किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके राजनीतिक मॉडल्स के दौरान आपके ही कैडर सीपीआई को नक्सलवादियों को सीपीआई ने मारा और आप इन्हीं के साथ अलायंस करके बैठे हैं। आप उस पर क्या जवाब देंगे? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जिन औरतों के साथ वहाँ पे बलात्कार हुए, उनके साथ दुर्व्यवहार हुए, उस पर तो किताबें लिखी गई हैं। आप किस बात कर किस फ्रीडम ऑफ स्पीच, किस जेंडर जस्टिस की बात करते हैं? आप मुझे बताइए, आप जवाब दीजिए। इसके मैं बात करती हूँ उन लोगों से, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पार्टी के एक सीनियर कैडर ने जब एक उस पे एक अक्यूज थे, रेप का इल्जाम था उन पे, उनके साथ आपने अलायंस किया, आप बताइए यहाँ जेंडर जस्टिस कहाँ है कैंपस में? आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए अगर किसी के साथ इस तरह अलायंस करेंगे, पॉलिटिकल लाभ, आज की पार्टियां केवल अपने राजनीतिक लाभ को देखती हैं। दूसरी तरफ हमारे कुछ साथी हैं जिनसे मैं सवाल पूछूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला लुटा क्यों? हमें रहजनों से गिला नहीं पर रहबरी का सवाल है। आप बताइए, आप जो है पॉलिटिक्स करते हैं राम मंदिर पे, आप पॉलिटिक्स करते हैं हिंदू मुसलमान पे, आप सवर्ण गरीब की बात करते हैं, आप सवर्ण मुसलमानों की बात करते हैं, आप क्रिश्चियन की बात करते हैं, आप सेंटर में आप यहाँ हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी की बात करते हैं, आप मॉरिशस में हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं, कैंपस में सीट कट हुआ, हिंदी सेंटर में 99% लोगों को फेल कर दिया गया और आपने इस पे क्यों नहीं कुछ बोला? आप हमें बताइए। हमारे एक साथी ने कहा कि यहाँ पे लोगों के एडमिशन नहीं हुए, क्या उन्होंने ये बताया कि उस पे आवाज क्यों नहीं उठाई गई? क्योंकि उसके चेयरपर्सन एक क्या पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं केवल इसलिए? कहाँ थे वो लोग जो SC ST OBC और मार्जिनलाइज सेक्शन के एडमिशन की बात करते हैं? क्यों नहीं उन्होंने आवाज उठाई? इसी तरह हिंदी के और भी सेंटर्स में इस तरह की चीजें हुई। SC ST कानून को इस सरकार ने SC ST कानून के सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, जिसके अनुसार ये कहा गया था कि इसमें कई सबकों के हक जो है उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उसके बावजूद आप पार्लियामेंट में कानून लाके उसे पारित कराते हैं, ये क्या है? आप बताइए, आपकी जवाबदेही है, आपकी सरकार है। कैंपस के अंदर जो JNU जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ की एक ये एक ऐसा स्पेस माना जाता है जहाँ कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति जो पढ़ना चाहे, पढ़ाना चाहे, सीखना चाहे आ सकता है, आपने उसका क्या किया? गेट पे आते ही ह्यूमिलिएट किया जाता है किसी को। यहाँ पे पब्लिक स्पेसेस जैसे ढाबे, उन पे रोक लगा दी गई, उनके पब्लिक स्पीच पे रोक लगा दी गई, आपकी पब्लिक डिबेट से आप क्यों डरते हैं? आप बताइए, आपकी जवाबदेही है यहाँ पे। आप
इससे बात करें, आप हमें क्यों नहीं लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक राजनीति में आप भरोसा नहीं रखते? लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है, आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप किस तरह की राजनीति और छात्र राजनीति की बात करेंगे? आप यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं, आप बताइए, आपकी जवाबदेही है। इसके बाद हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि जन बहुजन राजनीति की बात करते हैं। इससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें थी कि ये शायद न्याय की बात करेंगे, ये सभी दबे कुचले तबकों की बात करते हैं, इसलिए ये लगता था कि ये हमारे हक उठाएंगे। लेकिन इनके ही पार्टी के कुछ नेता जब ये कहते हैं कि यहाँ पे कैंपस में ब्राह्मण की लड़कियों का चुन चुन कर रेप कर देना चाहिए, तो आप कौन से जस्टिस की बात कर रहे होते हैं? आप मुझे बताइए, मुझे मेरे पूरे भरी क्लास में एक आपके पापसा का एक्टिविस्ट मेरे पानी मांगने पे ये कहता है कि तुम ब्राह्मण हो और मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा, वो ऐसी कैसा न्याय है? आप किस न्याय की बात करते हैं? मंदिर प्रवेश से लेकर हम इन सारी परंपराओं की निंदा करते हैं, लेकिन आप बताइए कैसे जन सरस्वती रायर राहुल संस्कृतायन से लेके प्रियंचंद गांधी, क्या इनकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में? आप एक विमर्श को लेके क्यों केवल आगे नहीं बढ़ते? आप और विमर्शों की बात क्यों नहीं करते? आप बताइए, मैंने जब यहाँ एमफिल का एंट्रेंस दिया उन दिनों मुझे ओवरऑल कट ऑफ में फोर्थ रैंक होने के बावजूद वाइवा में एक नंबर दिया गया, क्या वो मेरे हक मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था? उस वक्त मेरे साथ कौन खड़ा हुआ? कोई नहीं। वो क्यों? क्योंकि मैं सवर्ण हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी सिर्फ एक आइडेंटिटी है। आप मेरी अस्मिता आप डिसाइड करते हैं, मेरे डिस्क्रिमिनेशन के साथ मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होता। आज मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं जा रही हूँ एशियन गेम्स के लिए, मुझे मेरे स्कॉट को इसलिए डिनाई कर दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है। ये कहा गया कि तुम एक शरीफ लड़की लड़के के साथ स्कॉट एज ए कोच कैसे ले जा सकती हो? मैंने इसके लिए कन्हैया कुमार, शहला रशीद, राहुल गांधी, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी और मायावती, उन सबको ट्वीट किया, अभी तक की गया क्या ओके कैसे कैसे आप बताइए, उनमें से कौन सी ऐसी राजनीति है जिस कैसी राजनीतिक चेतना है आपकी कि जो आप किसी के साथ हो रहे अन्याय की बात पे खड़े नहीं हो सकते? आप मुझे बताइए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, वो कौन सी पितृसत्तात्मक सोच है, वो कौन सी सांप्रदायिक सोच है, वो कौन सी जातिवादी सोच है, वो कौन सी कंजर्वेटिव सोच है जिसपे कि आप प्रश्न नहीं उठा सकते, आप न्याय की बात नहीं कर सकते? एक गवर्नमेंटल फाइल आरटीआई के अनुसार ये कहा गया है कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के फॉर्म होते हैं एप्लीकेशन की फॉर्म की फीस इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक बैकग्राउंड जनरल फेस उसको कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व कैटेगरी की फीस होती है दिया जाता है, उस पर गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं होती है। सीएसआईआर का एक बेस्ट एग्जांपल है। आप बताइए, एक गरीब एक मीर सैयद जो कि बेसराय में नींबू पानी बेच के जेएनयू में पढ़ना चाहता है, एक मरियम जो किसी के घर में बर्तन मांझ के अगर अपनी बेटी को आगे पढ़ाना चाहती है, एक यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जो क्योंकि केवल एक तबके से आता है, क्या किसी आईएएस किसी प्रोफेसर और किसी इंजीनियर के बच्चों की फीस की भरपाई क्यों करे? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर केवल कास्ट से आते हैं, क्यों आर्थिक आधार पर इन चीजों की बात नहीं होनी चाहिए? मैं उसकी उसके स्कूल तबकों के लिए न्याय संगत रिजर्वेशन की बात करना चाहती हूँ क्योंकि उनका वो अधिकार है। यहाँ पे औरतों के लिए औरतों को कास्ट के नाम पे बांटा जाता है। आप जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, आप पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात तो आपकी वोकैबुलरी में है ही नहीं शायद। आप वो तब बात करते हैं जब चुनावी एजेंडा आता है। आज जो हमारे साथियों के साथ हुआ वो इतने साल के स्ट्रगल के बाद भी हुआ, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप यूनियन में रहते हुए यूनिवर्सिटी में रहते हुए हमारे राइट्स इंश्योर नहीं करा सके। आप SC ST OBC की बात करते हैं लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि उसमें मार्जिनलाइज सेक्शन में PWD कैंडिडेट्स भी आते हैं। यहाँ एक साथी ने हमें हमारी देश में गाय के मुद्दे पर बात की, आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ कुत्ते बिल्लियों का इशू उससे हमें कम टॉर्चर करता है क्या? आप बताइए, जब हम स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन की बात करते हैं इनके साथी वोट बैंक के खातिर सड़कों पे लेट जाते हैं और उन्हें स्टेरिलाइज वैक्सीनेशन तक नहीं करने देते। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कितना प्रभाव पड़ता है ना, हम पढ़ने जा सकते हैं। हमारा डेटा कहता है कि हर रोज औसतन एक व्यक्ति कुत्ते काटने का शिकार होता है, ये यहाँ का डेटा है। उसके बावजूद इनकी इनसेंसिटिव पॉलिटिक्स ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने इस पे क्या काम किया? कैंपस में हमारे स्ट्राइक्स के लिए आपने क्या काम किया? इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्यूटिफिकेशन पे पैसा इन्वेस्ट किया गया करोड़ों रिंग रोड पे एक्स्ट्रा लाइट्स लगा के, बट हमारे लिए रैंप दोनों तरफ नहीं बनाए गए, हमारे डिसेबिलिटी स्टडी सेंटर की डिमांड को नहीं पूरा किया गया, आप कैसी बात करते हैं? आप में से कोई भी दल आज तक क्यों किसी दशरी इनको
की बात करते हैं, आप बताइए उसके अलावा कैंपस में जीएस कैश को डाइल्यूट करने का पूरा श्रेय एडीवीपी को जाता है। आप तो चाहते ही नहीं है कि हम जो हम है हम कुछ बोल सके किसी के लिए, हम अपर कास्ट की बात या वुमेन इन जनरल वुमेन का जो कॉमन कंसर्न है उस पर हम कुछ बोले, आप हमारे उसको क्यों दबाना चाहते हैं? आप बताइए, पिछले साल सारे ही कैंडिडेट्स जो थे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के महिलाएं थी, आप इसलिए पर आपने चुनावी कार्ड खेला है कि हर औरत हर पार्टी की औरत एक साथ उतारो, क्यों इस पर आप किसी की बात नहीं कर रहे? ये आपका एजेंडा है, आप औरतों के इशू पे सोचते नहीं, आपके कैडर बलात्कार करने के आपके स्टेटमेंट देते हैं जेएनयू जैसे प्रोग्रेसिव कैंपस में, उसके बावजूद भी आप उनके साथ अलायंस करते हैं और दूसरी जगह पे आप अपने कैडर को कुछ सजा भी नहीं देते और आप बात करते हैं इसी तरह की दूसरी पॉलिटिक्स में। आप कैसे लोग हैं इस पॉलिटिक्स में? यहाँ पे विकल्प नहीं, एक समाधान की तरफ सोचने के लिए आपको देख बस मार्गदर्शन या एक विचार रखने आई हूँ साथियों। बस आप एक ऐसी तबके के बारे में भी सोचिए, आप अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो आपकी राजनीतिक विचारधारा से इतना अलग कैसे हो जाता है कि एक न्याय संगत बात भी नहीं की जाती? किसी तबके को अगर आप स्टेरिलाइजेशन इतना करेंगे, उसका स्टीरियोटाइपिंग इतना ज्यादा करेंगे, उसे आप उसे कौन सी लोकतांत्रिक सिद्धांत जो है, कौन सी लोकतांत्रिक राजनीति का सिद्धांत उसे जस्टिफाई करता है? आप मुझे बताइए, आप यहाँ जेएनयू जैसे कैंपस में अगर इस तरह की बातों को, इस तरह के विचारों को अगर नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ रखेंगे? इन सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। निधि मिश्रा, धन्यवाद।